हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोप्स काम कैसे करते हैं, मतलब कपड़े साफ करते टाइम सोप्स के पीछे काम मैकेनिज्म क्या है, हम इसकी बात करेंगे। एंड उसके बाद हम डिटर्जेंट्स पे आएंगे। हम ये देखेंगे कि सोप्स एंड डिटर्जेंट में फर्क क्या है, दोनों में किस में हमें ज्यादा फायदा है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप कपड़े को साफ करने का जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है साबुन का, वो क्या है? जरा देखिए बच्चों, हम किसी भी सोप की बात करें, चाहे वो कोई भी सोप हो, वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक बड़ी चेन होती है, बड़ी चेन, राइट, ये कार्बन है सारे, बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकता है, राइट। कार्बन की एक बड़ी चेन होती है एंड इन द एंड मेरे पास होता है COOH, यानी ये साबुन वैसे, बट फिलहाल देखिए जैसे एक बड़ी चेन है कार्बन की और यहां पे COOH लगा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, मतलब इस मॉलिक्यूल के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल कुछ और नहीं बल्कि कार्बोजिलिक एसिड है, राइट, एक तरह का कार्बोजिलिक एसिड है, ओके, राइट। इसका जब आयुपैक नेम लिखेंगे तो लास्ट में आएगा ओइक एसिड, ओके। आप इसको एक और चीज कह सकते हैं, आप इसे फैटी एसिड भी कह सकते हैं। COH, कार्बोजिलिक एसिड को फैटी एसिड भी कहा जाता है, तो ये एक फैटी एसिड है। कार्बोजिलिक एसिड कह दो या आप इसे फैटी एसिड भी कह सकते हैं। अगर मैं इसमें से H पॉजिटिव बाहर निकाल दूं, राइट, तो ये बन जाता है कार्बोजिलिक एसिड से कार्बोजिलेट आयन, राइट, कार्बोजिलिक एसिड से ये बन गया कार्बोजिलेट एट आयन। और अगर मैं यहां Na पॉजिटिव लगा दूं तो आप कहोगे अब ये एक सोल्ट है। किसका सोल्ट है? एसिड का और बेस का। आप कहोगे सोल्ट एसिड और बेस का ही होता है, यस। चलो इसको एक और नाम देते हैं, ये सोल्ट है, ये इसको मैं कह सकता हूं सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड की रिएक्शन जब NaOH या किसी बेस के साथ करवाई तो मुझे जो सोल्ट मिला, आई रिपीट, मैं बात रिपीट करता हूं, जब कार्बोजिलिक एसिड फैटी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाई तो मुझे सोल्ट मिला और उस सोल्ट को मैंने नाम दिया सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। पहले फैटी एसिड था, एक NaOH आया, दोनों ने आपस में रिएक्शन की, सोल्ट बन गया, और इस सोल्ट को मैंने कहा सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ओके। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे साबुन का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। साबुन जो भी काम करता है, जिस चीज के लिए हम साबुन को खरीदते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ये है। साबुन को हम अच्छी स्मेल के लिए नहीं खरीदते हो, अच्छी स्मेल उसका एक एक्स्ट्रा फीचर है, राइट। साबुन का मेन काम होता है चीजों को साफ करना, कपड़ों को साफ करना, आपकी बॉडी को साफ करना, राइट। तो ये हमारे साबुन का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, राइट, इंग्रेडिएंट्स है। अगर आपसे कोई कहे साबुन क्या होते हैं तो आप साबुन को एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आप कहेंगे सोप्स आर नथिंग बट द सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारे साबुन के स्ट्रक्चर की, साबुन का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उसके स्ट्रक्चर की। ये कार्बन की चेन हमने रेंडमली ली है, ये बहुत बड़ी होती है, 11, 12, 17, 18, 20 इतने कार्बन होते हैं एक चेन में, राइट, और लास्ट में आपको यही मिलेगा। ये हर साबुन की कहानी है, जैसे घर घर की कहानी होती है वैसे ये हर साबुन की कहानी ये है, राइट। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कपड़े साफ कैसे करता है। देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज देखिए, पानी में जाकर जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है, वैसे ही पानी में जाकर ये हिस्सा अलग हो जाएगा और Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, राइट। पानी में जाकर जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है, वैसे ही पानी में जाकर ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा यहां से यहां तक, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये नेगेटिव है और ये Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये हमारे कपड़े को साफ करता है, ओके, ये नहीं, ये पानी में घूमता रहता है फ्रीली, ये हमारे कपड़े को साफ करता है। जरा देखिए आगे, इसमें क्या क्या है,
ओके मैं इसे हटा रहा हूं, अब सिर्फ इस पे फोकस करो आप, ये क्या है, एन ए पॉजिटिव को भूल जाओ, हमने साबुन में कपड़ा ऐड किया राइट, उसके ऊपर हमने साबुन उस पे रब किया राइट, तो साबुन पानी के साथ मिलकर इन दो हिस्सों में टूट गया, एन ए पॉजिटिव एंड दिस मॉलिक्यूल। ओके अब इस मॉलिक्यूल पे फोकस करो, इसको हटा दूं, नहीं चाहता आप डाइवर्ट हो, अब इस मॉलिक्यूल पे फोकस करो, देखो इस मॉलिक्यूल का जो ये हिस्सा है ये इतना राइट, मैं इस हिस्से की बात नहीं कर रहा, ये जो ये हिस्सा है ये नॉन पोलर है, कार्बन 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 जो चेन है राइट, कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा ना कोई दे रहा है, तो किसी हिस्से पर चार्ज नहीं आया यहां तक, तो ये हिस्सा नॉन पोलर है, कोई पोल नहीं है, नॉन पोलर का मतलब होता है ना नेगेटिव पोल है ना पॉजिटिव पोल है। ओके और जो ये हिस्सा है ये CO नेगेटिव, ये पोलर है, आप साफ देख सकते हो इसमें एक पोल बना हुआ है, कौन सा पोल, नेगेटिव पोल, नेगेटिव चार्ज राइट, तो ये हिस्सा पोलर है और ये नॉन पोलर है। ओके दूसरी बात, इसको कभी कभी नॉन पोलर वाले हिस्से को हम टेल कह देते हैं, टेल टेल मतलब पूछ, टेल, और जो ये पोलर हिस्सा है इसको हेड कह देते हैं, जो ये पोलर पार्ट है इसको हम हेड कह देते हैं और ये नॉन पोलर पार्ट टेल है। याद रखो बच्चों ये सारी बातें पानी के अंदर हो रही है। ओके चलिए अब हेड और टेल को छोड़कर हम और आगे बढ़ते हैं, मैं इसको यही छोड़ रहा हूं, आई होप आपने नोटबुक में ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो इसे पॉज कीजिए और ये हिस्से को जरूर अपनी नोटबुक में दिखाइए, जो भी हमने पहले लिखा है वो भी दिखाइए, बट ये इसको लिखकर अंडरलाइन कीजिए, ये सारे इसके पार्ट लिखिए, टेल नॉन पोलर होता है, हेड पोलर होता है, या जो पोलर है हम उसको हेड मान रहे हैं और जो नॉन पोलर एक लंबी पूछ है कार्बन के चेन की हम उसे टेल कह रहे हैं वो नॉन पोलर है। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसे हटा रहा हूं, देखिए अब ओके चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, किसी फैब्रिक की, कपड़े की, या आपके आपका वो कपड़ा था और यहां पे कोई दाग लगा हुआ था राइट, स्टेन है ये, स्टेन जैसे होता है ना स्टेनलेस स्टील, हमारे घर में दाग जिन स्टील पे नहीं लगता, पानी डालते हैं वो दाग साफ हो जाता है, तो वैसे ही ये स्टेन है, ये कपड़ा है, कोई क्लॉथ है, कोई फैब्रिक है और ये उसके ऊपर लगा हुआ दाग है राइट, पानी हमने डाला, ओके ये पानी है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन काम कैसे करता है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये है बच्चों ऊपर पानी है ये। ओके इसके बाद क्या हुआ, साबुन आया, साबुन का कौन सा हिस्सा जिसकी अभी हमने बात की थी, टेल और हेड, हेड पे नेगेटिव चार्ज और टेल नॉन पोलर है, केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे को तैसा घुलता है, पोलर पोलर में घुलना पसंद करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में, मेरे साबुन के पास तो दोनों है, एक हिस्सा पोलर है और एक नॉन पोलर, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये कोई ग्रीस का दाग है, ग्रीस है या तेल लगा हुआ है, मान लो ऑयल है, तेल है, तो तेल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, आई रिपीट तेल आपका नॉन पोलर है, पानी पोलर है, अगर आप भूल चुके हो तो ये देखो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है राइट, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहाव एक साइड हो जाता है और एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है राइट, तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। ओके अब जरा देखिए इस हिस्से को यही रोकते हैं, क्या समझ में आया यहां तक, पानी पोलर है और जो ऑयल है वो नॉन पोलर है, अब जैसे ही साबुन इसके अंदर जाएगा ये जो नेगेटिव हिस्सा है ये दोस्ती करना चाहेगा वाटर से राइट, ये पोलर है नेगेटिव पोल राइट, वाटर के पॉजिटिव पोल से इंटरेक्ट करेगा ये, भाई ये नेगेटिव पोल ये वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है राइट, इससे ये इंटरेक्ट कर रहा है और इसकी जो पूछ है जो कि नॉन पोलर है वो इस ऑयल के साथ अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है ना और ऑयल भी नॉन पोलर है, तो दोनों नॉन पोलर अच्छे से मिक्स होंगे, पूछ टेल ऑयल के साथ मिल गई, हेड बाहर रहा, तेल से नहीं मिला बाहर रहा, बाहर रहकर वो वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है राइट, तो ये मेरे पास हेड बाहर रह गया, टेल अंदर, हेड बाहर टेल अंदर, हेड बाहर टेल अंदर, हेड बाहर टेल अंदर, ठीक है, ये कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा
ओके, ये हेड है, ये टेल है, एनए पॉजिटिव का कोई अता पता नहीं, वो पानी में घूम रहा है, उसके बारे में नहीं सोचना। ओके, अब क्या होगा, वाटर जो पोलर है उसका पॉजिटिव पोल इस हेड को अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव पोल हेड को अपनी तरफ खींच रहा है, हेड टेल भूलना नहीं है क्या था, हेड टेल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बट इसके साथ साथ इसकी टेल भी आएगी और टेल के साथ साथ ऑयल भी, क्योंकि ऑयल के साथ मिक्स हो गया। थोड़ी देर बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, जरा यहां देखो, ऐसे के ऐसा नहीं बनाना अपनी नोटबुक में, कुछ अपना दिमाग लगाना है। थोड़ी देर में फैब्रिक से ऑयल अलग हो जाएगा, थोड़ी देर में फैब्रिक से क्लोथ से ऑयल अलग हो जाएगा, और ये पानी है, पानी ये ऑयल है, ये ऑयल का पार्ट है, ऑयल के अंदर क्या है, टेल, ऑयल के अंदर क्या है, टेल मिल चुकी है ऑयल से, और बाहर क्या है, हेड नेगेटिव, राइट, और बाहर क्या है, पानी की वजह से ये बाहर आ गया। ओके, कहां से बाहर आ गया, हमारे क्लोथ से, फैब्रिक से बाहर आ गया, राइट, और इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल एक क्लस्टर बना देंगे, गुच्छा बना देंगे। ओके, और ये मेरा क्लोथ से ऑयल अलग हो गया, दाग अलग हो गया। इस तरीके से हमारे साबुन काम करते हैं। और जो बच्चों ये जो बना है क्या बना है, लास्ट में जो ये अलग हो गया, गुच्छा जो बन गया दाग का, जो पानी में ही मिक्स्ड है, हमारा कपड़े को बाहर निकालेंगे उससे दाग अलग हट चुका है, इसको हम मिसल कहते हैं, मिसल, राइट, ये जो दाग पानी में रह गया, राइट, वो क्लस्टर, वो गुच्छा मिसल कहलाता है। ओके, राइट, मिसल कहलाता है, और जिस कंसेंट्रेशन पे एक्चुअली साबुन को हमने अच्छा खासा बढ़ाया तब ये मिसल बना, दाग अलग हटा, राइट, जिस कंसेंट्रेशन पे, आई होप मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, हमने थोड़ा साबुन लगाया, दाग अलग नहीं हुआ, स्टेन अलग नहीं हुआ, ऑयल अलग नहीं हुआ, हमने और साबुन ऐड किया, और साबुन फैब्रिक पे ट्रांसफर किया, राइट, आफ्टर सम टाइम वी गेट व्हाट, मिसल, वी गेट ए क्लीन क्लॉथ। जिस कंसेंट्रेशन पर साबुन जितना आपने लगाया, राइट, जिस कंसेंट्रेशन पर जाकर ये मिसल बना, मिसल फॉर्मेशन हुई, उसे सीएमसी कहा जाता है, क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन। बहुत बार पूछेगा आपसे क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन क्या होती है, राइट, तो क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन द मिनिमम कंसेंट्रेशन एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आई रिपीट, द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन, राइट, क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन, शॉर्ट में हम इसे सीएमसी कह देते हैं। ओके, अच्छा, बहुत बार टेम्परेचर भी अपना रोल अदा करता है, तो यहां पे एक और वर्ड आता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। कोई पूछे क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, टी छोटा सा के लिख देते हैं नीचे, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आई रिपीट, दो वर्ड यहां से निकल के आए हैं, क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन, द कंसेंट्रेशन एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। टेम्परेचर मिसल फॉर्मेशन, क्राफ्ट कंसेंट्रेशन मिसल फॉर्मेशन, क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन। ओके बच्चों, दैट्स इट, ये था हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप इस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप की कुछ अच्छी बातें ये है कि सोप को हम यूज करके फेंक सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है, राइट, बायोडिग्रेडेबल है। अगर खेतों में चला गया तो कोई बात नहीं, खेत में थोड़ी देर में डिग्रेड हो जाएगा वो। ओके, डिटर्जेंट की जब हम बात करेंगे तो डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट का प्रॉब्लम ये है। अच्छा, सोप के साथ एक अच्छी बात, ये जो हमने अभी बात की कि वो डिग्रेडेबल है, एक बुरी बात भी है, सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड आइदर इन हार्ड वाटर, खारे पानी में हम सोप को यूज नहीं कर सकते, और इन एसिडिक वाटर,
भाई खारे पानी में और एसिडिक पानी में हम सोप्स को यूज नहीं कर सकते। अगर खारा पानी है, कपड़े पे दाग लगा है और आप साबुन लगा रहे हो, तो वो साबुन आपके कपड़े को साफ नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग, जैसे अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप जैसे एक ये सेटरेट होता है, सोडियम सेटरेट C17H35COONA। आई होप आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि ये एक सोडियम सोल्ट है फैटी एसिड का, फैटी एसिड का। अगर हम इसे पानी, खारे पानी में यूज करते हैं तो खारे पानी में आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, राइट, हार्ड वाटर कहते हैं इंग्लिश में हम खारे पानी को। ओके, तो ये उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करके बनाता क्या है, कैल्शियम प्लस टू सीएल माइनस वन। कैल्शियम प्लस टू इस नेगेटिव के साथ जाकर मिलेगा तो बन जाएगा टू पॉजिटिव दो नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो पानी में घुल जाता है, बट ये जो हिस्सा है ये प्रेसिपिटेट बनाकर नीचे बैठ जाता है। अगर आप खारे पानी में साबुन को यूज कर रहे हो तो आप देखोगे लेदर प्रोड्यूस नहीं होंगे, लेदर कहते हैं झाग को, झाग प्रोड्यूस नहीं होंगे, बट प्रेसिपिटेट कत्थे से बनकर नीचे आपको कुछ गिरता हुआ दिखाई देगा, झाग नहीं बन रहे आप साबुन यूज किए जा रहे हो, क्योंकि जो साबुन का मेन पार्ट है, राइट, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो तो खारे पानी में प्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा है। इस वजह से वी कैन नॉट यूज सोप्स इन हार्ड और इन एसिडिक वाटर। डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं है, बट डिटर्जेंट की अपनी प्रॉब्लम है कि वो बायो डिग्रेडेबल नहीं है, पॉलिथीन की तरह अगर खेत में डाल दिया तो जैसे पॉलिथीन पड़ा रहता है गलता नहीं है, वैसे ही वही हाल डिटर्जेंट का है, हमारी जमीन को खराब कर देगा, कभी वहां से नहीं जाएगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं डिटर्जेंट, ये नहीं, राइट, डिटर्जेंट। तो ये है, सोप्स की अलग अलग टाइप है, जैसे लॉन्ड्री सोप है जो कपड़े धोने के काम आता है, बाथिंग सोप्स है, टॉयलेट सोप्स है। ओके, तो सोप्स की अलग अलग टाइप्स है, आप उन्हें कहीं से भी देख सकते हैं, बट मेन जो बात थी वो यही थी सोप्स के बारे में, डिसएडवांटेज एडवांटेज आपको पता लग गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों, आप सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और सोपलेस सोप्स भी कहते हैं डिटर्जेंट्स को। सोपलेस सोप्स नाम कहां से आया, कि इनमें जो सोप में इंग्रेडिएंट था, जो साबुन में जो केमिकल हमने यूज किया था वो यहां नहीं है, राइट, वो यहां नहीं है, फिर भी ये साबुन की तरह काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड सोपलेस सोप्स, ठीक है, राइट। डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो मेनली क्या रहता है, इनमें हाइड्रोकार्बन होता है, जैसा वहां था एक बड़ी चेन होती है, ओके, लास्ट में आपको SO3H, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं SO3H, ओके, इसको आप OSO2H ऐसे भी देखोगे कहीं कहीं, OSO2H ऐसे, ये जो फंक्शन ग्रुप आप देख रहे हो इसका नाम है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, राइट, SO3H या OSO2H, इसको सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। जब हम यहां किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो ये बन जाता है, राइट, अगर मैं अब इसकी बात करूं तो ये बन गया सोडियम सल्फोनिक से आ जाएगा सल्फोनेट, एक है तो एट आएगा, ओके, इसका नाम अब हो गया सोडियम सल्फोनेट, ओके, ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके, जब सॉरी मैं कह सकता हूं कि मेरे डिटर्जेंट्स कुछ और नहीं बल्कि सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड है, जैसे वहां हमने कहा था लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, राइट, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो यहां हम क्या कह सकते हैं, सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अगर आपसे कोई कहे कि डिटर्जेंट क्या होते हैं तो आप कहोगे डिटर्जेंट्स आर नथिंग बट द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, एक लॉन्ग चेन होती है सल्फोनिक एसिड की, उसके साथ जब हम बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो जो सोल्ट बनता है उसे हम डिटर्जेंट में यूज करते हैं, राइट, मेनली डिटर्जेंट में ये होता है। अच्छा, डिटर्जेंट्स की अच्छी बात यह है कि ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, रीजन बीइंग हार्ड वाटर में, जैसे वहां पे था मेरे पास
कैल्शियम क्लोराइड, हार्ड वाटर में ये होता है राइट। तो इसके साथ जब कैल्शियम इस नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा क्या, SO2O और एक ये बड़ी चेन राइट, ये ट्वाइस भाई, वहां पे भी नेगेटिव जोड़ा था हमने, यहां पे भी नेगेटिव जोड़ दिया। जो ये बना है ये वाटर सोल्यूबल है, वहां पे वाटर इनसोल्यूबल था, मतलब जब ये बन भी गया तो पानी में ये हिस्सा फिर दोबारा से घुल जाएगा, मतलब ये हिस्सा अलग ही रहेगा। और क्लिंजिंग एक्शन के लिए हमने देखा है यही हिस्सा तो जरूरी है, तेल ग्रीस में चली जाए, तेल में चली जाए, ये पानी के साथ रहे, यही पार्ट तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अच्छी बात यह है कि ये हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं, बट बुरी बात यह है डिटर्जेंट के साथ कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, 100% नहीं बट काफी हद तक इसे हम डिग्रेड नहीं कर सकते, नेचर डिग्रेड नहीं कर पाता। तो अगर ये पानी में चला गया तो पानी के लिए पोल्यूशन क्रिएट करेगा, लैंड पे अगर चला गया तो लैंड के लिए पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ओके, तो ये इसके डिसएडवांटेज है बट फायदा भी है। ओके, क्योंकि हमारे कंट्री में या मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट कंटेन्स फ्रेश वाटर और सॉफ्ट वाटर राइट, सॉफ्ट वाटर नहीं है, मीठा पानी नहीं है हर जगह। ओके, तो वहां पे बड़ी मुश्किल आएगी अगर साबुन को यूज करें तो वहां डिटर्जेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, याद रखना ये कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट जो खारे पानी में होता है उनके साथ रिएक्शन करके जो बनाते हैं वो पीपीटी नहीं बनाते, वो ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो पानी में घुला रहता है। साबुन में जो बना था खारे पानी में प्रेजेंट केमिकल के साथ मिलकर वो इनसोल्यूबल था इन वाटर राइट, ये प्रॉब्लम थी तो यहां ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, अगर डिटर्जेंट्स के टाइप्स की बात की जाए तो डिटर्जेंट मेनली तीन तरह के होते हैं, एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट, या पहले एनायनिक लिख लेते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट और एक होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। देखो बच्चों हमने जो बात की अभी जिस डिटर्जेंट का जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था वो एनायनिक डिटर्जेंट का पार्ट था राइट, हमने जो अभी बनाया था क्या सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड वो एनायनिक डिटर्जेंट था। वो क्या होता है, इसका नाम एनायनिक डिटर्जेंट क्यों देते हैं जरा ये देखो, जैसे ये था एक बड़ी चेन SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव राइट, ये पानी में घुलकर कपड़े को साफ करता है ये वाला हिस्सा, यानी ये लार्ज पार्ट है, बड़ा हिस्सा है हमारे डिटर्जेंट का, सोडियम छोटा हिस्सा है और बड़े हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है, मेन हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कहलाता है एनायनिक डिटर्जेंट। आगे हम पढ़ेंगे अमोनियम के सोल्ट, अभी देखेंगे वो कैटायनिक है, उसका जो बड़ा हिस्सा रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बड़े हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है राइट, तो ये एनायनिक डिटर्जेंट है। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, एनायनिक डिटर्जेंट क्या होगा, आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, एनायनिक डिटर्जेंट्स आर दोज इन विच लार्ज पार्ट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज राइट, और लार्ज पार्ट इज एनायनिक, स्मॉलर इज कैटायनिक, लार्ज पार्ट इज एनायनिक, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज कैटेगराइज इट एज एनायनिक डिटर्जेंट। ओके, एनायनिक डिटर्जेंट देखिए बच्चों, इसे नेक्स्ट है कैटायनिक डिटर्जेंट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कैटायनिक डिटर्जेंट का जो जो बड़ा पार्ट होगा, जो इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा, क्योंकि हमने अब तक देखा है कि कैटायन एनायन दोनों होते हैं, बट एनायन अब तक की अगर मैं बात करूं तो चाहे मैं सोप्स की बात करूं या डिटर्जेंट्स की, एनायनिक पानी में घुलकर क्लिंजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कपड़े को साफ करने के लिए वो नेगेटिव पार्ट है। इस बार हम देखेंगे कि पॉजिटिव पार्ट भी कपड़े को साफ करने में अपनी भूमिका अदा कर सकता है, ये एक अलग तरह का डिटर्जेंट होगा राइट, जिसको हमने नाम दिया कैटायनिक डिटर्जेंट राइट। एक एग्जांपल मैं इसका लिखना चाहूंगा, दूसरी बात पहले हम नाम लिखेंगे फिर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे राइट। जो कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है वो है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सिटाइल CETYL सिटाइल ट्राइमिथाइल, आयुर्वेद नेम नहीं है, कॉमन नेम है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, हालांकि हम सिमिलरिटी देखते हैं कॉमन नेम और आयुर्वेद नेमिंग में बट 100% एग्जैक्टली सेम नहीं होते वो, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये एक
कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है। ओके चलो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनियम। अमोनियम क्या होता है? NH3, इसको हम कहते हैं अमोनिया। जब N अपना लोन पेयर डोनेट करके एक और बॉन्ड बना लेता है तो वो बन जाता है अमोनियम, NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम है। ओके अब देखिए ट्राई मिथाइल, हमने क्या किया, एक एच हटाया मिथाइल लगाया, मिथाइल का फॉर्मूला CH3, एक एच हटाया मिथाइल लगाया, मिथाइल का फॉर्मूला CH3, एक एच हटाया मिथाइल लगाया, मिथाइल का फॉर्मूला CH3, ये बन गया ट्राई मिथाइल अमोनियम। ठीक है, ट्राई मिथाइल अमोनियम हमें लिखना है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम। सिटाइल का मतलब होता है 16 कार्बन, ए चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 16 कार्बन, तो यहां पे H को हटाकर मैं 16 कार्बन लिख देता हूं, CH2, चलो इसको ऐसा कर देते हैं 14 कर दें, और यहां CH3, क्या है ये CH3 CH2 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 ऐसे 15 टाइम्स CH2 और एक CH3, तो टोटल 16 कार्बन हो गए। ओके अब ये बन गया सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम। आपको पता है क्या कि अकेला नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इस पॉजिटिव के साथ में एक नेगेटिव भी है, वो है Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव का नाम है ब्रोमाइड। ये स्ट्रक्चर है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड की। ओके तो ये एक डिटर्जेंट है जो हम यूज करते हैं, ये मेनली जो लिक्विड डिटर्जेंट होते हैं उनमें यूज होता है, लाइक जेल वगैरह जो हम देखते हैं, हैंड वॉश वगैरह, उसमें ये यूज होता है कैटायनिक डिटर्जेंट। ओके कैटायनिक डिटर्जेंट को कैटायनिक क्यों कहा, ये साफ देख सकते हो आप, इस बड़े हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्ट छोटा है। ओके इसलिए इसे कैटायनिक डिटर्जेंट कहा है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट। जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट, इनपे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आयंस नहीं होते इनमें, जनरली नॉन आयनिक डिटर्जेंट एस्टर होते हैं, एस्टर ईथर नहीं, एस्टर, जनरली बच्चे ईथर और एस्टर में कंफ्यूज होते हैं, ईथर इनको कहते हैं ROR को, एस्टर ये होते हैं RCOR, राइट, बहुत बार R डैश लिख देते हैं इसे, मतलब ये R और ये R अलग अलग है, अलग अलग भी हो सकते हैं, अगर मैं दोनों जगह R लिख रहा हूं मतलब जो यहां है वही यहां है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, यहां पे भी आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके ये ईथर है ROR और RCOR ये एस्टर। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स में जनरली आयंस नहीं होते, एंड सेकंड थिंग नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जनरली एस्टर होते हैं, एस्टर विद हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स, मतलब क्या है मेरा कहने का, जैसे ये है, ये मेरे पास R हो गया, ये C हो गया, डबल बॉन्ड O, फिर यहां R है, ये R जब आप देखोगे तो यहां पे आपको अल्कोहल भी दिखेगा, एक बड़ी चेन प्लस अल्कोहल। ओके तो हम कहते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, एस्टर्स विद हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल, एस्टर, एस्टर तो ये है, इसके साथ साथ एक OH ग्रुप भी आप देखोगे, ये है हमारे नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। ओके बच्चों तो ये था हमारा डिटर्जेंट्स एंड सोप्स का पार्ट। आपने देखा कि डिटर्जेंट्स 3 तरह के होते हैं, डिटर्जेंट्स अच्छे हैं पर बुरे भी हैं, ये नॉन डिग्रेडेबल है इसलिए हम इन्हें बुरा कह सकते हैं, ये अच्छे हैं क्योंकि हम इन्हें हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो इनके साथ रिएक्शन करके जो सब्सटेंस बनाते हैं वो पीपीटी नहीं बनाते, वो घुले रहते हैं उसमें, राइट, तो लेदर फोम होगा वहां, लेदर का मतलब झाग बनेंगे वहां। ओके हमने देखा कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक एंड नॉन आयनिक, सोप्स के बारे में हमने बात की, सोप्स थोड़े से अच्छे हैं पर थोड़े से बेकार, अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो डिग्रेडेबल हैं, बेकार इसलिए हैं कि हम उन्हें वर्ल्ड के हर पार्ट में, इवन इंडिया के हर स्टेट में, इवन स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह का पानी अलग अलग है, कहीं हार्ड वाटर है कहीं सॉफ्ट वाटर। ओके थैंक यू वेरी मच बच्चों।